आपका स्वागत है। आप पार्ट 4 पहले देख लीजिए, वरना यह वीडियो आपको ठीक से समझ में नहीं आएगी। तो अब यूजीन सैंडो का मुकाबला सैमसन से होता है। 2 नवंबर 1879 की ऐतिहासिक शाम आती है। उस दिन रॉयल एम्पोरियम लोगों की भीड़ से पूरी तरह से भरा हुआ था। दोपहर के 2 बजे से ही लोगों का आना शुरू हो गया था, क्योंकि आज सैमसन का मुकाबला एक नए लड़के से होने वाला था। इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। यूजीन सैंडो, कैप्टन मोल्सवर्थ, मिस्टर एटीला और मिस्टर फ्लेमिंग 20 मिनट पहले मंच पर जाने के लिए उद्यत हुए, लेकिन उस समय भीड़ बहुत खचाखच भरी हुई थी। वहां मुख्य द्वार से भीतर जाना असंभव था। फिर यूजीन सैंडो ने मंच के दरवाजे से जाने का फैसला किया। यूजीन सैंडो कहते हैं, हम सभी दरवाजे के बाहर खड़े हुए थे। भीतर से दरवाजे का पहरेदार दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। उसको पता नहीं था कि वो हम ही हैं जिससे सैमसन का मुकाबला शुरू होने वाला था। कैप्टन मोल्सवर्थ के दरवाजे के बाहर से बहुत समझाने की कोशिश की कि हम कौन हैं, लेकिन जिद्दी पहरेदार टस से मस नहीं हुआ और उसने दरवाज़ा नहीं खोला। समय उड़ रहा था। यह एक चिंतित और कोशिश करने वाला क्षण था। सैमसन मंच पर यूजीन सैंडो को ना पाकर बहुत ज़ोर से ठहाका मारता है और कहता है कि भाग गया ना लड़का। फिर सैमसन कहता है कि मैं यूजीन को 5 मिनट नहीं, चलो 10 मिनट और देता हूँ। इस प्रकार की घोषणा यूजीन सैंडो सुन सकते थे। फिर यूजीन सैंडो ने अपनी ताकत का उपयोग करने का निश्चय किया। यूजीन सैंडो ने एक ज़ोरदार धक्का मारा, जिससे पास में खड़े पहरेदार को दरवाजे की खरोंच लग गई। यूजीन सैंडो ने पहरेदार को 10 पाउंड देकर उसको आश्वासन दिया। इस प्रकार यूजीन सैंडो मंच पर पहुंच जाते हैं। आज के इस मुकाबले में क्वींसबेरी और लॉर्ड डी क्लिफोर्ड को न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इन्होंने प्रतियोगिता में प्रयोग होने वाली सभी जंजीरों, सलाखों, वजन आदि को ठीक प्रकार से जांचा और फिर न्यायाधीश ने मुकाबले को प्रारंभ करने का आदेश दे दिया। पहला प्रदर्शन सैमसन ने दिखाया। सैमसन एक बड़ी लोहे की सलाख लेता है और उसको अपनी जांग पिंडली गर्दन बांह में मार मार कर उसको मोड़ कर दोहरा कर देता है। मित्रों, अब आप स्वयं देखिए कि लोहे की सरिये को इस प्रकार से मोड़ना सैमसन के लिए कितना आसान है। यही तो वास्तविक ताकत होती है। ऐसी ताकत बार बार रिपीटेशन करने से और मसल्स को तोड़ने से नहीं आती है, बल्कि मसल को जोड़ने से आती है और यह जुड़ाव माइंड मसल कनेक्शन से ही प्राप्त होता है। यूजीन सैंडो इस करतब के पीछे के विज्ञान को बताते हैं कि इस प्रकार के सफल प्रदर्शन के लिए शरीर पर मांसपेशियों का होना महत्वपूर्ण है। यदि आपके शरीर पर मजबूत विकसित मांसपेशी नहीं है, तो सरिये के प्रहार से भीतर की हड्डी टूट सकती है। इसलिए मजबूत मांसपेशी होना महत्वपूर्ण है। फिर यूजीन सैंडो की बारी आई। इन्होंने भी एक सरिया लेकर अपनी पिंडलियों और जांघों आदि में मार मार कर उसको मोड़ कर दोहरा कर दिया। अब सैमसन दूसरा करतब दिखाते हैं। सैमसन अपनी छाती के चारों ओर बाहों के नीचे से घुमाते हुए केबल तार को बांध देते हैं और अपनी मांसपेशियों को फुलाकर उस तार को तोड़ देते हैं। इस प्रकार के करतब के लिए अच्छी प्रकार से विकसित छाती की आवश्यकता होती है, जो यूजीन सैंडो के पास भी थी। इन्होंने भी अपनी छाती के चारों ओर केबल तार को लपेटकर अपनी मांसपेशियों को सिकोड़कर केबल की तार को तोड़ डाला। यह सब देखकर दर्शक बड़े खुश हो रहे थे और शोर मचा रहे थे। अब अगला करतब एक कड़े को अपनी बाइसेप्स में फंसाकर तोड़ने का था, तो सैमसन ने अपना कड़ा प्रस्तुत किया।
और उसको अपनी बाइसेप्स में फंसा कर देखा कि यह फिट बैठ रहा है या नहीं। लेकिन वह बाजूबंद सैंडो की बाइसेप्स के मुकाबले छोटा था, क्योंकि सैमसन की बाइसेप्स का साइज़ सैंडो की बाइसेप्स के साइज से छोटा था। फिर यूजिनो ने उसी फर्म से पहले से ही एक कड़ा बनवा लिया था, जिस फर्म से सैमसन ने अपने लिए कड़ा बनवाया था, तो दोनों कड़ों की मजबूती समान ही थी। लेकिन सैमसन मना कर देता है। वह कहता है कि यूजिन सैंडो का कड़ा मेरे कड़े जितना मजबूत नहीं है। लेकिन सौभाग्यवश उस फर्म का प्रतिनिधि भी वहीं पर था। वह खड़ा होकर न्यायाधीश को बताता है कि दोनों ही कड़े मेरे फर्म द्वारा ही बनाए गए हैं और दोनों कड़ों की श्रृंखला और मजबूती समान ही है। फिर मुकाबला आगे बढ़ा और सैमसन ने अपनी बाइसेप्स की भुजा में उस कड़े को फंसा कर बाइसेप्स की मसल को फुलाया और उस कड़े को तोड़ डाला। अब मित्रों, आप स्वयं ही देखिए कि माइंड मसल वाली कनेक्शन कितनी अधिक ताकत प्रदान करती है। बार बार एक ही एक्सरसाइज के अधिक रेप्स लगाने से मांसपेशियां लगातार टूटती हैं और कमज़ोर होती हैं। इसलिए व्यायाम को मन की सहायता से किया जाए, जिसमें मांसपेशी भीतर से विकसित हो, ना कि बाहर से विकसित हो। अब सैंडो की बारी आती है। वह भी अपनी भुजाओं में कड़े को फंसा कर तोड़ डालते हैं। इस प्रकार से दोनों के बीच टक्कर का मुकाबला चल रहा था। तालियों का शोर आसमान भर रहा था। अब सैंडो सैमसन को चुनौती देते हैं। वह कहते हैं, यदि सैमसन या उनका शिष्य मेरे इस कर्तव्य को दोहरा देगा तो मैं 1,000 पौंड की राशि दे दूंगा। मंच पर एक डंबल लाया गया जिसका वजन 280 पौंड यानी 140 किलो था। यूजिन सैंडो ने एक हाथ से ही उस डंबल को उठाया और उठाए रखने के बावजूद भी सैंडो जमीन पर लेट गए और फिर डंबल को बिना गिराए ही पुनः दोबारा उठ गए। इस प्रकार के कर्तव्य करना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि इसमें वजन बहुत ही अधिक होता है और इस भार को गिराए बिना लेटना पड़ता है तथा पुनः उठना भी पड़ता है। शायद ही सैमसन इस कर्तव्य को कर पाते। इसके बाद यूजिन सैंडो दूसरा कर्तव्य करते हैं। वह अपने दोनों हाथों से 220 पौंड का डंबल उठाकर छाती के पास लाते हैं और अपनी छाती के चारों ओर कुछ जंजीरों की सहायता से दोनों हाथियों को छाती सहित बांध लेते हैं। फिर उन्होंने बल लगाकर उन सारी जंजीरों को तोड़ डाला। तो कहने का मतलब ये है कि सैंडो ने कुछ जंजीरों को अपनी छाती से बांधा और छाती की मसल को फुलाकर सारी जंजीरों को तोड़ डाला। अब देखिए, सैंडो के लिए जंजीरों को तोड़ना कितना आसान है। यही उनकी प्रणाली का लाभ था, जिससे उनको अद्भुत लाभ प्राप्त हुआ था। यह कर्तव्य देखकर सैमसन झुलसा गया और वह कहने लगा, यह सब बकवास है, क्योंकि उसे पता था कि ऐसा करना सैमसन के बस की बात नहीं है। लेकिन निर्णायक मंडल सैंडो के इस कर्तव्य से पूरी तरह से सहमत थे। फिर मिस्टर फ्लेमिंग ने प्रतियोगिता के 1,000 पौंड मांगे। इस पर सैमसन कहता है कि कल भुगतान कर दूंगा, लेकिन सैमसन ने वो पैसे भुगतान नहीं करे। फिर बाद में एक्वेरियम के प्रबंधक ने ही यूजिन सैंडो को 350 पौंड देकर संतुष्ट किया। तो इस प्रकार मित्रों, यूजिन सैंडो विजय हुए। यूजिन कहते हैं, जब हम प्रतियोगिता के बाद बाहर निकले तो बहुत बड़ी भीड़ हमारे पीछे पीछे जयकारा लगा रही थी। मेरा साक्षात्कार करने के लिए लोग आए। मुझे लिरिक क्लब के सदस्यों के एक सिंडिकेट द्वारा 150 पौंड प्रति सप्ताह की राशि पर मुझे प्रदर्शन करने के लिए प्रस्ताव भी दिया गया। तो इस तरह यूजिन सैंडो की विजय ने उनको एक असाधारण प्रसिद्धि दी।
चलिए मित्रों, वीडियो को यहीं विराम देते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, कोई सवाल हो तो कमेंट करना, वीडियो पर लाइक या डिसलाइक जरूर करना। मित्रों, अब हम यूजीन सैंडो के जीवन प्रसंग के किसी और घटना का हम वर्णन करेंगे, जिसकी वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है।